हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बनाने वाले बहुत औसम साइकिल का हेडलाइट और बार लाइट दोनों एक साथ, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको बनाने के लिए आपको एक पीवीसी पाइप को कट कर लेना है। बहुत इजी तरीके से आप कट कर सकते हो। देख सकते हो मैंने इस पीवीसी पाइप को कट कर लिया है। और इसको कट करने के बाद आप देख सकते हो इसको मैंने एक शीट पर लगा लिया है, उसके ऊपर मैं ग्लू गन लगाने वाला हूँ। हम लोग सभी सब जगह पर ग्लू गन लगाते हैं, गजब बेइज्जती है, क्योंकि ग्लू गन से बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ग्लू गन लगाने के बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये फिक्स हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर ये लाइट देखने में। नहीं तो आप आपके दोस्तों को दिखा सकते हो, उसको दोस्तों को चिरा सकते हो दिखाकर आपके साइकिल में लाइट वगैरह है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छी तरह से आपको कट कर लेना है। बहुत ही इजी काम है, आप घर पे बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर फेविक्विक से, मतलब सुपर ग्लू की मदद से इसको चिपका रहा हूँ। आप भी चिपका सकते हो। यहाँ पर ये हमारा सूख गया है। तो सूख जाने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको ऐसे आराम से छुटा लेना, और आपसे छूट नहीं रहा तो आप पहले थोड़ा सा जो ऑयल है उसको लगा देना, उसके बाद आप इसको लगाना। तो समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो उससे ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा। तब देख सकते हो आप ऐसे बहुत तरीके से एलईडी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर बड़ा सा एलईडी यूज कर रहा हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जो कि 0.5 वोल्ट पे, मतलब 0.5 वाट का एक एलईडी आता है। बहुत ही आपको 3 से 4 रुपये में आपको एक एलईडी का पीस मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है ये एलईडी। तो आपको इजीली इसको मार्केट में मिल जाएगा, जो एलईडी आपको यहाँ पर लगाना है। देख सकते हो कितना अच्छा ब्राइटनेस ये दे रहा है। तो देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से हमारा एलईडी यहाँ पर। आपको इसके पीछे आपको जो हमारा प्लास्टिक वाला सिरा है वो लगा दे रहा है, और मैंने यहाँ पर वायर्स वगैरह सोल्डिंग कर लिया है। बहुत ही ईजी काम है, आप घर पर आराम से कर सकते हो। देख सकते हो हमारा एलईडी रेडी हो चुका है। तो कितना अच्छा लग रहा है, तो आप ही देख ही सकते हो। तो एलईडी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमको कार्डबोर्ड कट कर लेना है। तो कार्डबोर्ड मतलब कार्डबोर्ड तो नहीं, हमारा पीवीसी पाइप को यहाँ पर शीट बना लेना। आपको पीवीसी पाइप से शीट नहीं बनाना था, हमारे चैनल पे वीडियो दिया हुआ है, तो जाके आप लोग देख सकते हो। ऊपर आई बटन पे वीडियो दिया हुआ है। पैसा ही पैसा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने एलईडी वगैरह लगा लिया है। यहाँ पर मैं 2 हेडलाइट के लिए एलईडी लगा रहा हूँ, जो कि इस हमारा जो सेटअप है उसमें बहुत अच्छी तरह से फिक्स होने वाला है। तो देख सकते हो एलईडी हमारा यहाँ पर लग चुका है। तो एलईडी आपको यहाँ पर सुपर ग्लू की मदद से लगा देना है, जिससे कि हमारा बक्सा अच्छी तरह से फिक्स हो चुका हो जाएगा, और बारिश में भी ये वर्क करेगा, और आप आपके दोस्तों को फिर से चिरा सकते हो, क्योंकि ये बारिश में भी वर्क करेगा। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर चार्जिंग के लिए यहाँ पर एक अलग सा सॉकेट लगा रहा हूँ, जो कि आप BMS बोलते हैं बहुत लोग, तो वही BMS में लगा रहा हूँ, जिससे कि मैं इसको चार्ज भी कर सकूँ, उसके बाद चला सकूँ। आप यहाँ पर जो चार्जिंग वाला है वो भी लगा सकते हो, जो हमारा पावर बैंक वाला सर्किट है वो लगा सकते हो, और दोस्तों को और भी ज़्यादा आप लोग चिरा सकते हो उसे दिखा के। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो देख सकते हो यहाँ पर ऐसे आप लगा सकते हो। दोनों स्विच आपको दोनों साइड पे लगा देना है। बहुत ही आराम से आपका ये स्विच वर्क करना चाहिए। अब बहुत ही इजीली, बहुत ही चीप प्राइस में बाजार में स्विच मिल जाता है। आप बाजार से जाके स्विच लाओ और यहाँ पर लगा दो, बहुत ही ईजी काम है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक लिथियम आयन बैटरी यूज़ करने वाला हूँ, और लिथियम आयन बैटरी अब मैं 1200 mAh का यूज़ कर रहा हूँ। आप 2200 mAh, 2500 mAh जो आपको मिल जाए वो लगा देना, बट एटलीस्ट अब मिनिमम 1200 mAh का एक बैटरी लगाना, क्योंकि अब 1200 mAh का एक बैटरी लगाओ आपके एक हफ्ता तो आराम से कोई भी चार्ज वगैरह करना ही नहीं पड़ेगा, और आप आराम से इसको चला सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर इस बैटरी को मैं इतनी अच्छी तरह से कितना कम जगह में यहाँ पर फिट किया हुआ। आप भी ऐसे ही करना, कोशिश करना जितना कम हो सके उतना कम जगह में इसको फिट करना। उसके बाद आप ऊपर वाला जो ढक्कन है इसको आपको लगा देना, तो आपका लाइट रेडी हो चुका है। तो उसके बाद हम इसको टेस्टिंग भी दिखाएंगे। तो देख सकते हो ऐसा कुछ सेटअप मैंने साइकिल पर लगाने के लिए यहाँ पर बनाया है। एक हिंज है, वहाँ पर मैंने 2 नट लगा है। मैं ये सेटअप पहले भी, मेरा एक साइकिल वाला जो वीडियो था, साइकिल में मोबाइल होल्डर भी लगाया हमने, साइकिल पर मोबाइल होल्डर भी बनाया था, वो आपको बनाना है तो वो वीडियो आप देख लेना। ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जहाँ पर मिल जाए, तो नहीं मिल जाएगा तो मेरा चैनल पे जाके ढूंढ लेना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो लेट आ रहा है, और लेट आने की मतलब फ्यूचर में भी लेट आएगा, एटलीस्ट मार्च तक तो मेरा वीडियो लेट ही आएगा, उसके बाद जल्दी जल्दी वीडियो आएगा, तो थोड़ी दिन तो आप लोग वेट कर सकते हो। तो वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आएगा। और हमारा देख सकते हो साइकिल पे मैंने मिडिल में एक होल कर दिया है हैंडल के, और वहाँ से मैं एक जो हार्ड वाला
हमारा लोहे वाला वायर है उसको घुसा रहा हूँ, और उसको घुसाने के बाद देख सकते हो हैंडल का जो एंड साइट है वहाँ से मैं इसको निकाल रहा हूँ, और यहाँ पर हमारा जो बार एंड लाइट है वहाँ पर इसको लगा रहा हूँ। अब देख सकते हो उसका जो वायर है उसको मैं यहाँ पर लगा के फंसा के यहाँ पर पीछे खींच रहा हूँ, और हैंडल के वायर से वहाँ से निकाल रहा हूँ, जिससे कि हमारा जो बार एंड का लाइट का जो वायर है वो हैंडल के अंदर से होगा, कोई भी वायर का झंझट नहीं होने वाला है। और हमारा जो सेटअप है जो हमारा मेन कंट्रोलर है उसको भी हमने साइकिल पर इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हम इसको लेके घूमने जाएंगे और सबको दिखाएंगे कितना अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा हमने लगा लिया है, इसको फिक्स करने के बाद भाई बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत इजीली आप इसको बना सकते हो, आप इसके साथ मोबाइल होल्डर भी साइकिल पे बना के लगा सकते हो। मोबाइल होल्डर का वीडियो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में हर जगह आप ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। तो देख सकते हो ये वाला हेडलाइट है, देख सकते हो दो हेडलाइट मैंने लगाया, आपका ज़्यादा जरूरत है आप चार लगा सकते हो, छः लगा सकते हो, आप दस भी लगा सकते हो भाई, दो पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाता है, बट आपको ज़्यादा चाहिए तो आप चार लगाओ, पाँच लगाओ, छः लगाओ, आपका मर्जी। और साइड वाला एंड लाइट भी बहुत अच्छा, आप कोई गली वो गली वाली से जाओगे तो गली के जो साइड वाला दीवार होगा दूसरे घर का, तो वो और दीवार पूरा चमक जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है ये बार एंड लाइट। आप कोई हाईवे पे जा रहे हो तो पीछे से जो बड़ी बड़ी कार्स वगैरह है वो भी आपको देख के डर जाएगा, आपने क्या लगा रखा है साइकिल पे, कैसा लगा मेरा मजाक। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपको कनेक्शन नहीं समझ आ रहा तो मैं कनेक्शन का भी एक डायग्राम इसके बाद दे दूंगा, तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, कनेक्शन डायग्राम आप लोग चाहे तो देख सकते हो इसके बाद में। तो दोस्तों हमने जो एलईडी का कनेक्शन किया था यहाँ पर हमने दोनों एलईडी यूज़ किया है, बट हमारा जो वीडियो में वहाँ पर मैंने चार एलईडी यूज़ किया था, दो हेडलाइट के लिए और दो हमारा हैंडल बार लाइट के, तो सेम ही कनेक्शन वहाँ पर होगा। और यहाँ पर मैं ये जो दोनों लाइट है इनको मैं यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई और कलर से आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इन लाइट को पहले सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो इस लाइट को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये लाइट हमारा सीरीज में कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद हम मैं एक दूसरे कलर से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो लाइट का पॉजिटिव वाला सिरा है उसको आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, और उस सिरे को आपको यहाँ पर डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव में लगा देना है। और हमारा जो जो दोनों एलईडी का जो हमारा नेगेटिव वाला पॉइंट है उसको भी मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, आप घर पे इजीली इसको सोल्डिंग आयरन से कनेक्शन कर सकते हो। तो ये जो दूसरा वाला कनेक्शन है यहाँ पर कनेक्ट करके यहाँ पर स्विच से होके यहाँ से आप ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, बट मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है, बहुत ईजी कनेक्शन होकर ईजिली कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको दोनों सेटअप बना लेना है, तो यहाँ पर आपको एक और ऑन ऑफ वाला स्विच आपको ले लेना है, ठीक है, और उस पर भी आपको एकदम सेम जो दो और एलईडी होगा उनको कनेक्शन आप लोग कर देना बैटरी के साथ, तो सेम ही होगा दोनों स्विच, आप एक स्विच हेडलाइट और दोनों और बाकी स्विच आप बार लाइट कंट्रोल कर सकते हो बहुत ही ईजिली। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ साइकिल पे कैसे आप लाइट लगा सकते हो, साइकिल के हैंडल बार लाइट्स और साइकिल के हेडलाइट्स मैंने एक साथ बना के आप लोगों को दिखा दिया है, जिसका थ्रो भी बहुत अच्छा है। आपको उसका पब्लिक रिएक्शन वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हो, मैंने वो भी बनाया है, बट इससे मैंने अटैच नहीं किया है, बट आपको चाहिए तो उसको मैं एडिट करके डाल दूंगा, तो वो आप बता देना। तो वीडियो कैसा लगा वो आप बता देना, क्योंकि साइकिल में वो लाइट बहुत अच्छा लग रहा है, उस वो लाइट पीछे से कैसा लगता है साइकिल में, सामने से कैसा लगता है, दिन में कैसा लगता है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, डिटेल में मैंने आपको वीडियो दिखाया। तो वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को ज़रूर बता देना, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, इतना अच्छा वीडियो बना है, एक साइड हेडलाइट मतलब जो इंडिकेटर है हेडलाइट वो सब कुछ मैंने एक साथ मार्च कर दिया है। आपको वीडियो चलो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, आज के लिए नहीं, बाय दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो बाय बाय बाय, टाटा, गुड बाय।